ससुर और ननद की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि ससुर मड़की मुंडा ही बहू गीता सरदार का कातिल है। भाभी गीता और ननद सुकरू कुमारी के बीच मोबाइल को लेकर झगड़ा हो रहा था। उसी वक्त ससुर मड़की मुंडा वहां पहुंचा। बेटी और बहू को लड़ते देख उसका माथा फिर गया। उसने आओ देखा ना ताओ पास पड़े लोहे का रॉड उठाया और दे मारा बहू के सिर पर। फोन से लथपथ गीता गिर गई और दम तोड़ दिया। गीता की मौत के बाद ससुर मड़की मुंडा, सास साबी देवी और ननद सुकरू कुमारी घबरा गए। लाश को वहीं छोड़ सभी फरार हो गए। वारदात को अंजाम बीते 10 अक्टूबर को दिया गया था। उसी दिन शाम लगभग 3 बजे आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि गीता का मर्डर हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार आरोपी सास ससुर और ननद की गिरफ्तारी में जुट गई। गीता सरदार की शादी 14 साल पहले मड़की मुंडा के बेटे राजेंद्र सिंह मुंडा से हुई थी। 4 साल तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ तो पति राजेंद्र ने दूसरी शादी कर ली, अपनी नई दुल्हन के साथ कहीं और रहने लगा। गीता अपने सास ससुर और ननद के साथ तमाड़ के बेलवेड़ा गांव के उदय टोला में रहती थी। तीनों सास ससुर और ननद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल किए गए रॉड को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। सुनिए क्या बोले रूरल एसपी नौशाद आलम। तमाड़ थाना अंतर्गत बेलवेड़ा एक गाँव है जो काफी इंटीरियर में और जंगली क्षेत्र में है। वहाँ एक महिला का डेड बॉडी मिला था और हत्या जो जिसमें सिर से काफ़ी खून निकला हुआ था जिससे लगा कि बहन की हत्या करके उसके डेड बॉडी को फेंक दिया। घर परिवार में कोई था नहीं। ये सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई में डीएसपी साहब और अफसर इंचार्ज उन्होंने ने भेजा था। पता ये चला कि महिला की हत्या उसके परिवार के ही लोग मतलब सास ससुर और घर परिवार के ही लोगों ने रॉड सर से मारकर ही उसको जख्मी किया था और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो। मोबाइल को लेकर आपस में विवाद हुआ था। उसी विवाद देख सकते ये हत्या का रूप धारण कर लिया था। महिला एक्चुअली सब उन्हीं लोगों परिवार में साथ में ही रहती थी। इसके पति राजेंद्र सिंह मुंडा इसको पहले ही छोड़ के कहीं दूसरी जगह शादी करके वह घर जमाई बन कर आ गए थे। इस कारण इनको ये अकेली साथ में परिवार के साथ रहती थी और घरेलू विवाद के कारण इनकी हत्या की। इन लोग गिरफ्तारी हुई है और आगे भी हम लोग सत्यापन करते हैं। कोहराम लाइव के लिए राजेश सिंह और रूपम की रिपोर्ट।